यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। चंदवा में एक बॉक्साइट लदा ट्रक मौत का कहर बनकर टूट पड़ा। घटना सोमवार की रात NH 99 पर स्थित चंदवा थाना से सटे गैरेज लेन में घटी, जिसमें दो युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार धोबी टोला निवासी नारद चौरसिया अपने पुत्र चंदन कुमार चौरसिया, रिंकी देवी और रंजन प्रसाद चौरसिया के साथ रांची से लौट रहे थे कि गैरेज के पास पीछे से आ रही एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें आनंद व चंदन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चंदवा अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंचे लातेहार SDM व चंदवा थानेदार द्वारा काफी समझाने बुझाने और आश्वासन मिलने के बाद करीब आधी रात के बाद ही सड़क जाम से मुक्त कराया जा सका। शाम में करीब 8:15 के बीच में चंदवा बाजार में ही आनंद भुइयां और चंदन चौरसिया, आनंद भुइयां 4-5 वर्ष का बच्चा है और चंदन चौरसिया करीब 26 वर्ष का लड़का है, उसकी बॉक्साइट ट्रक के द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में एक महिला तथा दो पुरुष भी घायल हुए हैं। घायलों के बेहतर इलाज के लिए उसको भेजा जा चुका है और ये घटना घटी है, दुखद है। इस पर हम लोग सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान है उसके तहत हम लोग प्रयासरत हैं उसको। नमस्कार, मैं हूँ रोशन गुप्ता, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। लातेहार में तेज रफ्तार ने दो लोगों की जान ले ली है। एक मासूम बच्चा को बॉक्साइट ट्रक ने कुचल दिया है, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई है, जबकि बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल है। इस तरह चंदवा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना चंदवा के ग्रेज लेन पास का है और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। कुल दो लोगों की मौत हुई है, जबकि इस भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बीती रात सड़क जाम लंबे समय तक रहा है और आक्रोशपूर्ण रूप से लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं।